इस पृथ्वी पर कुछ काले साए ऐसे हैं जो इंसानों के डर में बसते हैं। देखिए, यहाँ के गांव के लोगों का यही सोचना है कि इस बिल्डिंग के अंदर भूत है। हाँ, जाने में डर लगता है, कोई नहीं जाता है यहाँ पे, जो है प्रेत बस करते हैं। एक सुनसान गांव, वीरान सड़के और उसके बीचों बीच एक ऐसा दरवाजा जिस पर लिखा है भूतों से सावधान रहे। आबादी के बीच कुछ जगह ऐसी है जहां वीरानों से दहशत होती है। क्या देखे थे आपने? एक लड़का बड़े बड़े बारन का कज्जा दांतन को, मतलब भूत टाइप को, भूत ही। कहाँ दिखा था? यहाँ भी दिखा था। जो हमें दिखाई देता है और जिससे हमें डर लगता है, उनके बीच ऐसे दरवाजे हैं जो जब खुलते हैं तो भयानक ख्वाब सच होने लगते हैं। अब आज ये खुशी है, हमने स्वयं सुनी है। ये जो मकान सक्सेस नहीं है, इसमें जो भी रहा है वो नाशवान हो गया है। वो सब जितने यहाँ रहे हैं वो सब मिट गए, कोई बचा नहीं। ये सच्ची कहानी है कुछ गांव वालों और उनके साथ होने वाली अनहोनी घटनाओं की। यहाँ एक महिला रहती थी, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार बोली, एक लड़का आया है, वो मेरे चिपक गया है, मेरे बाल खींच लिए। भूतों से सावधान रहे, ये सही नहीं है जगह, इसलिए लिख दिया है किसी ने। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। एक सुनसान गांव, वीरान सड़के और उसके बीचों बीच एक ऐसा दरवाजा जिस पर लिखा है भूतों से सावधान रहे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जहां हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह को लेकर सोच है कि उसके आसपास के घर अपने दायरे तक रहें, इस घर में कोई प्रवेश न करे। घनी बस्ती के बीच खंडहर होता एक मकान लोगों को दूर रहने की चेतावनी क्यों दे रहा है? क्या सचमुच इसमें भूतों का बसेरा है? कितना अजीब है दरवाजे पर लिखकर लोगों को भूतों से सावधान करना। अटपटा है आसपास सामान्य रिहाइश और एक घर का भूथा सन्नाटा। लोकेश हैं जो कि छतरपुर के हमारे रिपोर्टर हैं। ये तस्वीर आपने भेजी थी मुझे, ये क्या यहाँ की सोच है? क्योंकि गांव में कोई दिख नहीं रहा है सब बाहर। देखिए, यहाँ के गांव के लोगों का यही सोचना है कि इस बिल्डिंग के अंदर भूत है।
जिस तरीके से हमने कवरेज किया था तो उन लोगों का यही कहना था कि इसके अंदर भूत है। मैंने बगल की छत पे जाके देखा तो एकदम वीराना सा और ये बंजर टाइप का और ये घास वगैरह उगी है, कोई रहता नहीं है। बताते हैं कि एक पाठक जी का ये मकान है जो करीब 30 साल पहले ये छोड़ चुके, इसलिए बाहर यहाँ पे भूतों का सावधान रहें, इस तरीके का उन्होंने स्लोगन दिया है। अंदर कोई जाता नहीं है, लोगों के अंदर बहम है कि यहाँ पे भूत है। गोविंद हमारे साथ जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और हमारे साथ अलग अलग जगहों पर भी जाते हैं। गोविंद ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ी अनयूजुअल चीज है, आपने कभी देखा है किसी घर पर ऐसा कुछ लिखा? आज तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने घर के आगे कोई ऐसा लिखे कि भूतों से सावधान। ये एक अलग सी चीज है और चाहेंगे इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या वाकई में जैसा लोग कह रहे हैं कि भूत प्रेत आत्मा, हम लोग तो मानते नहीं इस चीज़ को कि भूत प्रेत होते हैं। अगर ऐसा कुछ है जैसे कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको हमारी मशीनों के जरिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। अनस, हमने इससे पहले भी मध्य प्रदेश की ही वो रिपोर्ट थी जिसमें एक घर को गिराया गया था क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ पर भूत है, तो ऐसी चीज़ें अनयूजुअल भले नहीं है लेकिन ऐसा दरवाज़ा ज़रूर है। मैंने भी ऐसा पहली बार ही देखा है। मुझे इसके असल में तीन रीज़न समझ में आ रहे हैं। पहला तो ये हो सकता है कि किसी ने शैतानी में बच्चों ने लिख दिया हो कि भूतों सावधान। दूसरा ये कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकती है कि कोई इसमें लोग ना जाएं इसलिए लिख दिया। तीसरा ये हो सकता है कि इसके अंदर वाकई कुछ है और इस वजह से लिखा गया कि वाकई लोग सावधान रहें। हम जब तक इस गाँव पहुंचे तब तक देर रात हो चुकी थी। घरों के आगे बत्तियां तो जल रही थी लेकिन ना तो कोई व्यक्ति बाहर था ना आवाज देने पर आ रहा था। मैंने तब से कोशिश की है अलग अलग घरों में जाने के लिए और देखने के लिए कि क्या कोई गांव में है इस समय जो हमारी मदद कर सके। इस समय 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं रात के और इस वजह से भी हो सकता है सन्नाटा हो। हम कुछ और कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से मिलने की, यहाँ पर ढूंढने की कि शायद कोई दरवाज़ा खटखटाने पर खोल दे, क्योंकि जो भी है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हम इजाज़त के साथ ही भीतर जाएंगे। हम वहां से निकलने ही वाले थे कि रात के अंधेरे में एक साइकिल सवार आता दिखा। ये हम देख रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइएगा। इधर सब पक्का मकान के बीच एक दरवाजे पे लिखा है भूतों से सावधान रहे। जी ये जो है बहुत पुराना मकान है, सो जो है यहाँ प्रीत बाधा है, परेशान करते हैं सो जो है। कोई जाता नहीं। आसपास में घर हैं दोनों तरफ? हाँ बिल्कुल, हाँ पाठक जी हैं उनके, हैं उन्हीं के जो है मकान है। उन्होंने ये लिख दिया है कि कोई भी अंदर ना जाए? नहीं वे लिख रहे जो है कि डरावे के लाने के जो है कोई जाता है यहाँ पे तो वहाँ प्रीत बाधा है। किसी ने कुछ देखा? हाँ पुराने जो है लोग बताते हैं। आवाज सुनी? हाँ बताते हैं कि जो है नहीं सुना। हमने इन देखा जो है 40-50 साल के जो है बुजुर्ग हैं, 60-70 साल की भी बता रहे हैं। बाकी आपने नहीं देखा? हाँ नहीं हमने नहीं देखा। बताते हैं जो है पुराने लोग कि यहाँ पे जो है प्रीत बस करते हैं। क्या सचमुच प्रेतों का वास? क्या ये संभव है? रात के सन्नाटे में हमारी आवाजें सुनकर अब कुछ घरों से लोग बाहर निकलने लगे। ये देखना चाहते हैं और जाना चाहते हैं अंदर, तो क्या हमें सुबह आ? मैडम रात में कोई नहीं मिलेगा आपको, ना कोई अंदर जाने देगा और ना आप जा सकते हैं किसी के मकान में, क्या रखा है क्या नहीं। आप दिन में आना तो जो बुजुर्ग लोग हैं वे आपको बताएंगे कि यहाँ कौन रहता है कौन नहीं है। नए लड़के हैं वे नहीं जानते हैं और वे आपको डिटेल में सभी बताएंगे। ठीक सुबह से? जी सुबह। खंडहर हो चुके उस मकान के मालिक भी वहां पर पहुंचे। यहां पर आप ही रहते थे? जी। कितने साल पहले छोड़ा है? लगभग 20 साल हो गए। 22। क्यों छोड़ा? इसमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या देखे थे आप? एक लड़का। ये घर का नहीं?
लगभग 8-10 साल का। आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई बाहर से आ गया है? बड़े बड़े बार दातन को मतलब भूत ताल पाल भूत ही। बाद से आप लोग निकल गए यहाँ पर, आपके माता पिता साथ रहते थे, कहाँ पर अब घर बन गए? उस साइड। आज अगर मैं ये समझूं कि अगर इसमें भूत का नहीं होता आपको डर, तो ये प्रॉपर्टी कितने की बिकती? ये प्रॉपर्टी तो कम से कम आज की डेट में 10 लाख की। आपने उतना नुकसान उठाना सही समझा। आसाराम जी रात में घर खोलने के पक्ष में नहीं थे, पर सवेरे दरवाजा खोलने का वादा किया। हमने सोचा क्यों ना लौटने से पहले घर के बाहर ही कुछ पड़ताल कर ली जाए, ताकि कुछ तो अंदाजा लगे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमें सुबह ही इन्वेस्टिगेशन अपना करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लेडी हमें अभी मिली उन्होंने कहा कि सवेरे के समय सब मिलेंगे। क्या एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं रात में ही कर सकते इन्वेस्टिगेशन, या जो हॉन्टेड प्रॉपर्टी है वो तो दिन में भी? देखिए इन्वेस्टिगेट जो करते हैं हम लोग ज़्यादातर रात में करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कुछ एविडेंस चाहिए तो रात में ही मिले, एक्टिविटी दिन में भी हो सकती है। तो हम लोग देखो रात में तो भी जा नहीं सकते, हम लोग तो दिन में भी हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट इसको। पर क्योंकि ये सीढ़ियाँ भी बाहर तक आ रही हैं ना, मुझे लगता है कि हम एक इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद चलें, फिर हम सुबह सुबह यहाँ। मुझे भी ऐसे लगता है कि हम लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रात में मौजूद हैं, इस लोकेशन पर पूरा माहौल भी है, एक बार इन्वेस्टिगेट करके देखना जरूर चाहिए कि क्या निकल करके आता है, कुछ है या नहीं। हाँ, यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। क्या कोई एनर्जी हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहे? इस घर में कोई रहता है? 3 लाइट जला करके मुझे बता सकते हैं अगर आप हैं हमारे आसपास। हम आपसे बात करना चाहते हैं, कोई भी हमारे पास है, कोई भी ऐसी शक्ति, कोई एनर्जी जो हमसे बात करना चाहती हो, इसमें 2 लाइट जला दीजिए, 2 या 3, ताकि हम जान सकें कि आप वाकई में हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा है। 3 लाइट जली है कहने पर। कहते हैं कीटू मीटर की बत्तियां तब जलती हैं जब वो किसी एनर्जी यानी ऊर्जा के दायरे में आती। बत्तियां लगातार जल रही थी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा है। 3 लाइट जली है कहने पर। ये घर के दायरे की बात है कि घर की 4 दीवारी के अंदर की बात है, और हम इस समय बाहर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम चलते हैं और हम सुबह सुबह वापस आते हैं। रात के अंधेरे में साए भी सच से ज्यादा लंबे हो जाते हैं, दिन के उजालों में तस्वीरें साफ। हम सुबह दोबारा आने के लिए गांव से वापस लौट गए। सुबह के 6 बजे हैं, अभी भी अंधेरा ही है, लेकिन अब हम एक बार फिर वहां पर जा रहे हैं। सुबह के लगभग 7:45 बज रहे हैं, हम नेगवा गांव पहुंच गए हैं और अब हम उस दरवाजे के भीतर दाखिल होने जा रहे हैं, जहां पर हम परख पाएंगे कि जो किस्से कहानियां हमने सुना है उसमें कितनी सच्चाई है। सुबह की रोशनी में सबसे पहले ड्रोन कैमरा भेजकर हमने मकान को ध्यान से देखा। देखने से ही लग रहा था कि कभी यह आलिशान हवेली रहा होगा। फिर क्या हुआ ऐसा जो इसकी ईंट ईंट बिखर गई? यहाँ जमींदार लोग, हमारे जमींदार लोग बहुत बड़े आदमी थे। अपने समय में इन्होंने ये मकान और ये मंदिर कुआं, ये सब कुछ उन्होंने अपने समय में करवाया था। जमींदारों में झगड़ा हो गया, वो यहाँ की जमींदारी चाहते थे तो इन्होंने नहीं दी। वो ये महाराजपुर गए, उन्होंने जो है हमारे एक जमींदार को मार दिया था। हाँ, जान से मार दिया था। ये लोग अपने बदले में लगे रहे, कुछ समय बाद वो लोग इन्हें फंस गए तो इन्होंने जो है यही मार के इस मकान में गाड़ दिया था और वही लोग पीट हो गए। तो तब से ये जो है मकान सक्सेस नहीं है, इसमें जो भी रहा है
वो नाशवान हो गया है। जितने लोग रहे उनकी संतान चली नहीं। आवाज ये कुछ जो है हमने स्वयं सुनी है। किस तरह की आवाज जो है, जैसे कुछ अंधर गिर रहा हो या मकान गिर गया हो, ऐसी भर 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 ऐसी आवाज हमने स्वयं सुनी है। एक और थी, औरत थी, तो उसके एक बाल पीछे जो कटारी है उस पर जो है उसके बाल नीच लिए थे किसी ने, वो मालूम वहाँ पड़ी मिली थी। वहाँ जो है उसके बच्चा भी हुआ था, तो बच्चा भी उसका खत्म हो गया था। है उसमें भूत तो है, कुछ ना कुछ है तो है ही है, ये तो बात पक्की है। जो उसमें रहा उसके संतान ठीक ठिकाने से नहीं हो पाई। अगल बगल के घर में लेकिन लोग आराम से रहते हैं, अगल बगल में कोई कुछ नहीं दिखाई देता है, ना कुछ हुआ है। आप कभी गए हैं? हम अभी नहीं गए, पहले जाते रहे। घर के जो मालिक हैं, जो अब छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, उनको जरा हम बुलाते हैं। आइए आइए आइए, आप अब इस घर में रहते हैं? जी जी हाँ। आइए जरा आपके पुराने घर तक हम चलते हैं। क्या वजह रही, क्यों आप लोगों ने छोड़ा, कितने साल पहले उसे छोड़ा? ये इसमें कोई आवाज नहीं था मैडम, जितने लोग वहाँ गए वहाँ कोई सही तरीके से जीवन में ये आप नहीं कर पाए अपने जीवन का। वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें उसको पैदा होती रहीं। ये जो दरवाजे पे लिखा, तो ये आप लोगों ने लिख के फिर यहाँ से? हाँ, ये लिख दिया है किसी ने कि भूतों से सावधान रहें, ये सही नहीं है जगह, इसलिए लिख दिया है किसी ने। कोई जाता ही नहीं है? कोई नहीं जाता है। यहाँ एक महिला रहती थी, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार खाना बना रही थी तो ये कोई आया, इतना बच्चा सा बता रही थी कि वो आया और मेरे बाल नाल नोच की उसने यहाँ फेंक दिया, आटा साटा सब फेंक दिया था उसने, तो वहाँ से वो भाग गई। उसका एक बच्चा था छोटा था, उसको भी ख़त्म कर दिया था इसी मकान में, किसी ने गला दबा दिया हो या जो भी हुआ हो उसके साथ। वो सब जितने यहाँ रहे हैं वो सब मिट गए, कोई बचा नहीं। ये घर आपका है? जी। और ये घर? ये हमारे परिवार वालों का ही है जो हमने सुना है, पर इसमें हमारा भी हिस्सा बैठता है, हम लोगों का भी उसमें है। क्या वो हिस्सा ले रहे हैं आप? नहीं, वो पड़ा है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। सुना था कि वहाँ जो है उनको कुछ दिखता है, लेकिन हम तो बगल में रहे, छत पे भी लेटते, कभी हमको कभी कुछ नहीं दिखा। बल्कि अब उनको वहाँ बोर भी है, पानी भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी कुछ दिखा भी। पानी वहीं से लेना पड़ा? वहीं से लेते हैं, वहाँ पर पानी है, बोर करवा के पानी यूज करते हैं। हर शख्स की अपनी कहानी थी, हर कहानी में डर था, लेकिन अब बारी थी खुद उस कहानी का हिस्सा बनने की। हम घर की दहलीज पार करने के लिए बढ़े। लकड़ियां इतनी पुरानी हो गई हैं कि दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुला है, और छत का हाल भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। क्या पता, ये भी एक डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने पूरा अपना साम्राज्य यहाँ पर फैला लिया है, क्योंकि इंसान यहाँ से चले गए। भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजे को खोलने में जिस तरह की दिक्कतें हुई थी, उससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर बहुत दिनों से खुला नहीं है दरवाज़ा, हो सकता है सालों से न खुला हो। ये आंगन का हिस्सा है, और आंगन के हिस्से में अगर हम ये देखें, ये तुलसी का चबूतरा है, पर इसमें अब तुलसी का पौधा नहीं है। पर पूरे हिस्से में ही यही हो जाता है कि इंसान कभी किसी जगह को छोड़कर जाता है, तो देखिए वहां पर प्रकृति उस जगह को ले लेती है, तो हर जगह बस पेड़ ही पेड़ उगते हुए आपको नजर आएंगे। ये आंगन का हिस्सा है, लेकिन चूंकि लोग यहाँ पर नहीं रहे, अब जब रहा करते होंगे तब तो इस मिट्टी को नीपा जाता रहा होगा, और बिल्कुल सीधा सपाट ये पूरा हिस्सा रहा होगा। लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से उखड़ा उखड़ा ये हिस्सा है आंगन का, और इसमें पेड़ पौधे हैं, इसमें जो पत्ते हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं।
ये एक आपको पाइप भी दिखेगा, ये कहते हैं कि पानी यहीं से निकल कर जाता है, तो ये जो बोरिंग का पाइप है वो यहां से निकल कर और दूसरे वाले छतों तक जा रहा है। इसके आसपास इसकी जो हद है उसके पार का जो हिस्सा है, आप देखिए मेरे पीछे कि ये एक और मंजिल इसके ऊपर रही होगी, लेकिन ऊपर का कमरा अब है नहीं, लेकिन उसके आगे वो बाउंड्री वॉल नजर आता है जिससे सटा हुआ दूसरा मकान है। और ये जो बाकी हिस्से हैं, ये इनसे लगते हुए, ये आगे समझिए कि हर रूम से लगता हुआ बालकनी का हिस्सा, इस सब के पीछे एक एक कमरा है, और उस तरह से ये पूरा घर अभी भी अपने पुराने उस शान की बखान करता हुआ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपको केवल इस ढांचे को देखकर समझना होगा कि जब लोग यहाँ रहा करते थे तब कैसा रहा होगा। का नाम क्या था? आसाराम द्विवेदी। ये घर आपका ही हुआ करता था? जी जी सर। तो ये घर के बारे में बताएंगे मुझे कि कहां पर क्या हिस्सा है? ये आंगन है? हाँ जी, ये आंगन है। और इससे लगते हुए कमरे आप लोगों के? यहाँ पे हम लेटते थे और यहाँ हम बाथरूम करने गए थे अंदर, तो हमको वहाँ पे मिला था। यहीं पर, मतलब यहाँ से आप गए थे और एकदम आमने सामने? आमने सामने, जब बाथरूम करके हम वापस आए तो हमको एक लड़का खड़ा मिला वहाँ। अच्छा, आपको लगता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कुछ हो गए? ये तो मालूम नहीं है कि है कि नहीं है, पर एक ही बार का देखा हुआ है। हाँ, हमारी मिसेज को एक बार औरत दिखी थी यहाँ। तो एक बार हमको लड़का दिखा। गांव में बाकी लोगों को कुछ आवाज वगैरह आती है, कुछ दिखाई देने की बात की? गांव वाले तो बहुत पुराने से बता रहे कि यहाँ 6-7 पैरी से मतलब भूत है। अच्छा, उन लोगों ने देखा है? बुजुर्ग लोगों ने? बुजुर्ग लोगों। और यहाँ पर बाकी कमरा ये सब पहले ऐसे ही था या खुला खुला? सब मतलब सही थे, कमरे छपाई लिपाई बढ़िया, सब अच्छे थे, तो वीरान हो चुके हैं। वैसे कमरा कमरा था पूरा इसके आंगन से लगता सब। आसाराम दुबे घर हमारे हवाले करके चले गए। हम दो टीमों में बट गए, एक तरफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट के साथ अनस और दूसरी तरफ मैं। अब इस घर में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आप नोटिस करेंगे कि हमारे लिए जाना संभव नहीं है, क्योंकि छत जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। जैसे वो पीछे का कमरा देखिए, आपको वो दरवाज़ा हल्का खुला ज़रूर दिखेगा लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता संभव नहीं है। इसीलिए इसमें इस गाड़ी का इस्तेमाल हम करेंगे जो जिस पर हम एक गोप्रो माउंट करेंगे, एक रिमोट कंट्रोल का जिस पर गोप्रो माउंट करेंगे, और उस तरीके से इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अंदर जाकर अलग अलग कमरों के हिस्सों में ये तस्वीरें कैद करेगा जिसे हम बाद में जाकर एनालाइज करेंगे कि क्या तस्वीरें इसमें कैद हुई हैं, ताकि कोई भी हिस्सा मकान का ऐसा रह ना जाए कि मन में कोई डाउट किसी को भी रहे, कोई संशय रहे कि पता नहीं हो सकता है यहाँ, नहीं तो हो सकता है दूसरे कोने में रहा हो। तो हर एक कोने की हर एक तस्वीर हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस घर के अंदर पहुंच चुके हैं, गोविंद हमारे साथ हैं और हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। गोविंद, आपको क्या लगता है, ये थोड़ा पुराने स्टाइल का घर बना हुआ है और अमूमन कहा जाता है कि जो बहुत गंदे होते हैं इलाके या जहाँ पर बहुत दिनों से लोग नहीं जा रहे होते हैं वो अक्सर पजेस्ड हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और हम लोगों को इतना पता है कि 40 दिन भी अगर कोई जगह बंद रहती है तो वहाँ पर जो जैसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अपना घर बना लेती है। तुम लोग स्टार्ट करें इन्वेस्टिगेशन। क्या कोई है हमारे आसपास?
देखिए कोई भी अगर यहाँ पर है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, आप हमें देख पा रहे हैं, आप अपनी मौजूदगी बता सकते हैं हमें इसके पास आकर के, इसमें 3 बत्ती जला करके? कहा जाता है कि यहाँ पर कोई एक छोटा बच्चा रहता है जो काफी लोगों को नजर भी आया है, क्या ये सच है? एक बार आप ये भी समझेंगे कि बत्तियों का स्पिरिट से क्या रिलेशन होता है, क्या वो बत्तियाँ क्यों चलती हैं इस तरह से? देखिए ये जो है EMF मीटर है और कहा जाता है कि जो एनर्जीज होती हैं वो EMF फॉर्म में होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जी। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि इससे हम लोग पता लगाते हैं। देखिए अगर आप सच में यहाँ रहते हैं तो इस मशीन के पास आकर के 3 बत्ती जला करके हमें बताएं। देखिए चल रही है, देखिए जलना शुरू हो गया है, नाम लेते ही जलना शुरू हो गया है ऐसी एनर्जीज का। पे जो है प्रीत बस करते हैं। हमारी में सच को एक बार औरत दिखी थी यहाँ। क्या कोई है हमारे आसपास? है उसमें भूत तो है, कुछ ना कुछ है तो है ही। पड़ताल करते करते हम मकान के उस हिस्से में चले गए जहां मकान के मालिक आसाराम ने हमें बताया था कि उन्होंने कुछ देखा था। गोविंद ये वही इलाका है जहां पर भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने यहां पर कुछ कुछ आभास हुआ था, कुछ देखा था उन्होंने यहां पर। बच्चे का जिक्र कर रहे थे, किसी छोटे बच्चे को देखने का जिक्र किया था उन्होंने। संभल करके ऐसा लगता है ये से कोई गड्ढा है इधर। अच्छा गड्ढा है यहाँ पे? हाँ नहीं, ये वो इलाका था जो उन्होंने कहा था कि टॉयलेट का इलाका है इस तरह। अगर आप हैं यहाँ पर तो आप हमसे बात कर सकते हैं, इस मशीन में 3 बत्ती जला करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जरा हमें भी बताइए कि आप यहाँ पर हैं। वेरी गुड, देखा आपने? जला कुछ? जला, 2 लाइट जली है। 2 लाइट जली है जी, ठीक है, आप हैं, शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि आप पुरुष हैं या महिला? पुरुष हैं तो 3 बत्ती जलाएं या उससे अधिक? यहाँ पर किसी बच्चे का जिक्र किया गया है कि उसको रात में देखा गया है, क्या वो आप ही हैं? ये देखिए फिर जले तो लगातार जल रहे हैं। मुझसे अगर कोई परेशानी आपको लग रही है तो आप इसमें 3 लाइट जला दीजिए, मैं हट जाऊंगा। देखिए जैसे आप उस डायरेक्शन से मूव करके इधर आए थे उस वक्त लगातार 3-4 तो क्या कोई डायरेक्शन का भी हो सकता है कि इस जगह पर मौजूदगी नहीं है, कहीं और पर मौजूदगी हो सकती है? अगर देखिए इतना तो पता चल गया है कि जो भी एनर्जी है यहाँ पर है तो एनर्जी जो है वो हमारे आसपास ही घूम रही है। यहाँ पर सुना है कि किसी बच्चे की कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है, कोई मौजूदगी है एनर्जी की। अगर आप हैं तो फिर से 3 लाइट जला दें। देखिए हम लोग नहीं मानते हैं, सिर्फ हमने सुना है कि ऐसा किसी को देखा गया है। ये देखिए फिर से लाइट जला, ये लगातार 3 से, जैसे ही आपने कहा कि हमने किसी को देखा है, 3 से 4 लाइट वहां पर जली। मतलब यहाँ के बारे में जो बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है। गोस्ट मीटर्स अपनी थ्योरी बता रहे थे, तो क्या ये हमारे लिए कोई संकेत था? हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया। देखिए मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ लाइट जलना शुरू हो रहा है, इतना तो पता चल गया है कि जो भी एनर्जी है यहाँ पर है।
पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद ने इस बार इकोवॉक्स की मदद लेने का निर्णय किया, ताकि कोई आवाज अगर वहां एनर्जी के तौर पर है तो वो रिकॉर्ड हो सके और सुनाई दे सके। इस मशीन के बारे में बताइए, ये इकोवॉक्स क्या होता है? इको बॉक्स है, इससे हम लोग जो स्पीड है उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसी चौंकाने वाली आवाज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे हमारा कोई सवाल है तो उसका जवाब जो हम लोग क्लियरली सुन सकते हैं इसमें। मेरे साथ जो खड़े हैं इस वक्त माइक लेकर के, उनका नाम बता सकते हैं? बाकी लगा आपको इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम क्या है? अब सुना आपने? नेगवा। आपको लगा? नेगवा। अब बोला है। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप इस घर में कितने साल से हैं? कई दशक बीत चुके थे इस घर को धीरे धीरे वीरान होते हुए। हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी और दिन का उजाला रात के अंधेरों की गवाही देता जा रहा। जनरली कहा जाता है कि स्पिरिट्स जो है ईएमएफ में मैनिफेस्ट करती हैं, उस फॉर्म में नजर आती हैं। तो एक बार आप यहाँ पे स्टार्ट करिए जरा अपना इन्वेस्टिगेशन गोविंद। जो बच्चे को देखा जाता है, छोटे बच्चे को, क्या ये बात सच है आप ही हैं वो? 2 से 3 लाइट जला दीजिए इसमें। ऑल ऑफ सडन 3 लाइट चली थी जी, सिर्फ वो इतना बताया कि हाँ है यहाँ। ये देखिए 3 लाइट फिर से, यानी कि वो बच्चा, जो दूसरा सवाल आपने पूछा बच्चे के बारे में, वो बिल्कुल ठीक। यहाँ आपके साथ में कोई महिला भी है जिसको देखने का दावा करते हैं यहाँ के लोग? आपके शुरुआती 3 सवालों के जवाब फौरन आए थे, 3 से 4 बत्तियां आई थी। अगर महिला नहीं है, वो आप ही हैं, आप ही नजर आते हैं, तो 3 बत्ती जला दें इसमें। कोई महिला नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, तो 3 बत्ती जलाए इसमें। जी, कुछ मिल पा रहा है यहाँ पे? मैंने तो अलग अलग हिस्सों में जाके वीडियोस लिए हैं, अब कुछ फोटोग्राफ्स भी करके देखे हैं जिसको आगे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत हैरानी की बात अभी हम लोगों ने नोटिस की, हम लोग बात कर रहे थे और लगातार लाइट्स जल रही थी, 3, 3, 2, 3, 3, 4 भी जली। हमारे कैमरा पर्सन मोहसिन ने कहा कि आप लोग अपने फ़ोन बंद कर लीजिए, फ़ोन खुले हुए आपके, लेकिन हमारे फ़ोन तो बंद है, ऑलरेडी फ्लाइट मोड पर हैं। उनको लगा कि फ़ोन का डिस्टर्बेंस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं था, फ़ोन से लाइट जलने का मतलब आप, जब सवाल मैंने किया था कि जिस बच्चे को देखने का दावा करते हैं क्या आप ही हैं, तभी वो 3 लाइट जली है। हमें निष्कर्ष की तलाश थी और धीरे धीरे दिन की सीमाएं खत्म हो रही थी। हमें दिन के प्रकाश में ही बाहर निकलने को कहा गया। हम जैसे ही निकलने लगे, अचानक K2 मीटर ने जैसे कुछ इशारा किया, तो हम यहां से अब निकल रहे हैं। रात के अंधेरे में क्या होता है कि वो खौफ की स्थिति ज्यादा रहती है, लेकिन दिन के उजाले में कम से कम ये तस्वीरें हम देख पाए, वरना ये चीजें देख पाना ही संभव नहीं था हमारे लिए। पर हम जाएंगे और इसके बाद आगे जाकर देखते हैं कि उन तस्वीरों में क्या रिकॉर्ड हुआ है। बरसों से ये दरवाजा अंदर से बंद रहा, इसे कोई खोलता नहीं क्योंकि यहां कोई रहता नहीं। लेकिन अब जो सारी तस्वीरें हमने अब इकट्ठा की हैं, अब उन सारी चीजों को हम यहां से आगे जाकर और देखने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी है यहां पर वो वाकई कुछ ऐसा है जो महसूस करते हैं लोग, या फिर केवल एक भ्रम। हम घर के बाहर आ गए और हमें
वो शख्स भी मिला जिसने दरवाजे पर चेतावनी उकेरी थी। ये किसने लिखा था? मैंने लिखा था। क्यों लिखा? कि बच्चे लोग अंदर ना जाएं, हाँ। नहीं तो डर जाएंगे, भूत रहती है। भूत रहते हैं? हाँ। इस वजह से आपने लिख दिया इसको? हाँ, कि बच्चे अंदर ना जाएं, हाँ। और गेट खुले रहते हैं, इसलिए लिख दिया था। कोई इसके अंदर ना जाए। हाँ। आपने देखा कभी कुछ? नहीं देखा नहीं, लोग बताते हैं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग। तो आपने इसीलिए लिख दिया कि सब लोग साथ में? हाँ। हमारी मशीनों के नतीजे हमारे सामने थे। कार पर माउंट किए कैमरे में किसी तरह की ऐसी तस्वीर रिकॉर्ड नहीं हुई थी जो संदेहास्पद, पर K2 मीटर में हुई हलचल अजीब थी और एकोवॉक्स में कुछ अस्पष्ट पर अविश्वसनीय आवाज दर्ज हुई थी। इस घर की सबसे अजीब बात यह है कि एक दायरे में नकारात्मक प्रभाव का डर लोगों को है, इस हद तक कि लाखों की प्रॉपर्टी वो दशकों से छोड़े हुए हैं और वापस लौटने को भी तैयार नहीं। आज अगर मैं ये समझूं कि अगर इसमें भूत का नहीं होता आपको डर, तो ये प्रॉपर्टी कितने की बिकती? ये प्रॉपर्टी तो कम से कम आज की डेट में 10 लाख की। आपने उतना नुकसान उठाना सही समझा, लेकिन छोड़ दिया घर? छोड़ दिया। मन का भ्रम है तो इतने सालों से क्यों है? खौफ है, डर है तो हर मन में क्यों है? हमारा काम था एक निडर जांच करना और हमारी जांच में कुछ ठोस दर्ज नहीं हुआ, पर कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना है। मोहम्मद अनस जुबैर और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ अभी दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।